अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो नोकिया मोबाइल 1600 की एलसीडी रिपेयरिंग पर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नोकिया 1600 मोबाइल है और उसकी एलसीडी की लाइट नहीं जल रही, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने जम्पर के जरिए एलसीडी लाइट को ऑन करना है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट्स के पहले से उतार लिए हैं, तो यहाँ पर हम जम्पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको चेक करा दूं कि इसकी लाइट जलती है या नहीं जलती। ये देखिए फ्रेंड्स, सेट ऑन हो चुका है, लेकिन एलसीडी की लाइट ऑन नहीं हुई। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको लाइट बिल्कुल नजर नहीं आ रही इसके अंदर। तो अब हम एलसीडी को उतार लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कहां से आपने जम्पर इसके उठाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये एलसीडी के दो पॉइंट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि मैंने पहले से यहां से खुर्च कर यहां पर जम्पर किया हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये देखें, आपने इस तरह आपने किसी भी ब्लेड से उसको एलसीडी की लाइट्स के जम्पर लेने हैं, लेकिन यहाँ आपने यहां से जम्पर नहीं लेना। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह इसको खुरचना है। तो फ्रेंड, इस तरह आपने इसको खुरच कर इसके दो पॉइंट्स को आपने सोल्ड कर देना है। एक पॉइंट इसका नेगेटिव है और एक पॉइंट इसका पॉजिटिव है। तो फ्रेंड, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसकी सिर्फ एक लाइट पे हम जम्पर लगाएंगे, दूसरी पे नहीं लगाएंगे। सिर्फ एक लाइट ही इसकी जलेगी। तो ये फ्रेंड्स, पॉइंट इसका नेगेटिव का है और दूसरा पॉइंट जो है उसका ये पॉजिटिव है। तो अब हम आपको एलसीडी लगाकर बताएंगे कि आपने कहां पर इसके जम्पर करने हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट को होल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर इसके पॉजिटिव एलसीडी के पॉजिटिव पॉइंट को यहां पर हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर हम इसके सोल्ड करेंगे। तो इसको सोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसकी और सेकंड वायर जो कि नेगेटिव वायर है, उसको हम नीचे लाइट आईसी जो हमने पहले से उतारा हुआ है वहां पर इसको हम जम्पर करेंगे। ये ट्यूजर से पकड़कर हम इसको वायर को यहां पर लगाकर जम्पर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको वाजे पॉइंट्स इसके नजर आ रहे हैं। तो ये इसका पॉइंट है जहां पर हमने एलईडी लाइट का नेगेटिव जम्पर देना है। तो हम जम्पर लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना जम्पर लगा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसके पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ये लाइट आईसी यहां पर लगा हुआ था जो कि हमने उतार दिया, उसकी जगह यहां पर हमने जम्पर लगा दिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या है कि हमारी लाइट ऑन हुई है कि नहीं हुई। अब हम बैटरी लगाकर इसको चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइट ऑन हो चुकी है, हमारा जम्पर परफेक्ट लग चुका है। लाइट ना है फ्रेंड्स, ना ही आसान तरीका है। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइट ऑटोमेटिक बंद भी हो चुकी है। अब हम दोबारा से ऑन करते हैं। ये देखें, दोबारा लाइट ऑन हो चुकी है। तो फ्रेंड, जितना आप इसको टाइम बढ़ाएंगे तो लाइट की टाइम भी उतना बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये आज की वीडियो नोकिया 1600 की बगैर लाइट आईसी के पसंद आई होगी।
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।